तो ये है हमारा PlayStation 4 का ओरिजिनल कंट्रोलर, टाइप 1 कंट्रोलर है दोस्तों ये। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने इसको पूरा खोल के रखा हुआ है। तो दोस्तों इस कंट्रोलर में हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी कि वो कह रहे थे कि इसका चार्जिंग कनेक्ट पिन ख़राब हो गया है। तो दोस्तों हमारे पास चार्जिंग पिन के लिए आया था ये, तो हमने पूरा चेक किया था। उसके बाद पता चल रहा है कि दोस्तों इसके मदरबोर्ड में कोई इशू है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई इसके यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट है बैटरी का, वहाँ कनेक्टर पे, वहाँ पे नहीं पहुँच रही है। तो दोस्तों इसकी पूरी कनेक्टर वगैरह सब कुछ सही है, बेल्ट भी सही है, पूरी सप्लाई जो है बोर्ड तक आती है, पर बोर्ड से यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो दोस्तों ये वाला जो रिमोट होता है, हम इसको ज़्यादा और नहीं छेड़ने वाले, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, ये पतले पतले रिबन लगे रहते हैं, जिनकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और एक्स्ट्रा। तो दोस्तों हम इसको बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मेथड से ठीक करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी बैटरी है दोस्तों, वो भी फूल चुकी है। और दोस्तों जो बैटरी होती है इस तरह के कवर के अंदर बंद रहती है। तो दोस्तों हमने इसको खोल के बाहर निकाला है, ये इसकी बैटरी है दोस्तों। तो ये भी हम रिप्लेस कर देंगे दूसरी बैटरी से, हमारे पास पड़ी हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इस जो इसकी पावर सप्लाई है, इसके रिचार्जिंग वाली, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा। चाह रहा था कि दोस्तों ये हमने रिमोट ठीक कर लिया है। तो सबसे बड़ा इसमें कुछ इशू आ रहा था पावर का एक, तो और ये पेयर नहीं हो रहा था रिमोट। तो दोस्तों उसको ठीक करने के लिए हमने, आप देख सकते हैं कि वाली जो इसकी छोटी वाली चार्जिंग चिप है, इसके हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ था ब्लैक कलर का, उसको निकाल दिया है। और यहाँ पे एक जीनर डायोड लगे हुए थे, उसको निकाल दिया है। इन दोनों को हमने डायरेक्ट कर दिया, दो पॉइंट्स को, डेटा पॉइंट्स है दोनों, ये दोनों छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये डायरेक्ट किए हुए। और उसके बाद में दोस्तों हमने क्या किया, इसमें पावर नहीं आ रही थी, तो पावर बोर्ड तक तो आ रही थी, यहाँ इस कनेक्टर से लेके यहाँ तक बोर्ड पे आ रही थी, पर बोर्ड से फिर यहाँ बैटरी पे सप्लाई नहीं हो रही थी। दोस्तों हमने यहाँ पर जो एक छोटा सा कंपोनेंट लगा था, उसको निकाल दिया, और उसका जो आगे वाला मतलब डाउन साइड वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जैसे कि आपको दिख रहा है, इस पर मैंने ये लगाया हुआ है, टच किया हुआ है, ये वाले पॉइंट से हमने जंपर लिया और एक जीनर डायोड के थ्रू ये वाले पॉइंट पे लगा दिया है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा जीनर डायोड लगा हुआ यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इससे इसके पॉजिटिव टर्मिनल में सप्लाई आ रही है, और दोस्तों अभी कंट्रोलर सही से काम कर रहा है बिल्कुल। ये दोस्तों हमने इसकी बैटरी रिपेयर की है, इसमें हमने ये वाली एक बैटरी लगाई है, और इसका जो पुराना सर्किट था उसी को यूज़ किया है। तो डेट्स ऑल दोस्तों। तो इस तरह से आप कोई भी जो कंट्रोलर में अगर सप्लाई नहीं आ रही हो, बोर्ड में आ रही हो पर बैटरी पे नहीं आ रही, तो इस तरह से आप चार्जिंग सिस्टम ठीक कर सकते हैं और किसी भी ड्यूल शॉक कंट्रोलर को ठीक कर सकते हैं। आप मॉडल इस सारे ड्यूल शॉक कंट्रोलर के बोर्ड्स अलग अलग होते हैं, तो आप इसका मॉडल देख लीजिए। इस वाले जो ये वाला बोर्ड होता है, इसको TH-201 कहते हैं, और इसके अलावा दोस्तों इसको ये भी कहा जाता है JDS-030। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।